रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सबको रमज़ान मुबारक। उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से सब ठीक ठाक होंगे आप लोग। माय यूट्यूब फैमिली, चलें आज मैं बनाने वैसे जा रही हूँ एनर्जी ड्रिंक। इसमें एनर्जी भी बहुत है और इतना मज़े का बनता है ना कि आप मेहमानों के सामने ये पेश करें वो खुश हो जाएंगे, वो बोलेंगे बहुत मज़े का, मतलब कि आपने ये बनाया है, तो खुश भी हो जाएंगे और तारीफ़ भी सब आपकी करेंगे, बच्चे बड़े सब। तो चलें फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ इंग्रेडिएंट्स इसके। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लिए हैं, ये मैंने लिए हैं 2 छुहारे। इसको मैंने बहुत बारीक बारीक काट लिया, ये देखिए इतना इतना कटिंग करके रख लिया। अब आप बोलेंगे इतनी गर्मी में गर्म छुहारे, तो मतलब कि इतना अजीब सा क्या है ये आप यकीन करें, ये ड्रिंक बनाएंगे और छुहारे दूध में डालते हुए जब बॉयल करेंगे ना आप, तो उसकी गर्मी छुहारों की निकल जाएगी। और इस बहुत कम लिए मैंने, 2 छुहारे लिए, 2 से 3 1 लीटर दूध में, तो बहुत मज़े के बनते हैं। मैंने बादाम कटिंग करके रखे हुए, ये मैंने शुगर लिया है, पिसा खोपरा लिया 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं लिया मुँह में बहुत आता है। ये मैंने इलायची पाउडर लिया है 1/2 टेबल स्पून। ये मैंने एक जेली कटिंग करके रख ली थी वो लिए मैंने। ये मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर वनीला फ्लेवर में, ये भी सिर्फ इसलिए दूध को गाढ़ा करने के लिए। और मैंने 1 लीटर दूध लिया। चलें फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी दूध में मैंने सबसे पहले मैं दूध लिया 1 लीटर। अब इसको मैं अच्छे से बॉयल करूँगी। बॉयल करने से पहले मैं इसमें डालूँगी चीनी, मैं इसमें पूरी ये चीनी डाल दूँगी, 5 से 6 चमचे मैंने चीनी लिए हैं। इस वक्त पहले डालेंगे हम लोग, ये डाल दूँगी सबसे पहले दूध गर्म होने से पहले। इलायची पाउडर डालूँगी 1/2 टेबल स्पून और इसमें मैं डालूँगी छुहारे 2 अदद कटे हुए बारीक। बादाम लेंगे 1/2 डालेंगे 1/2 बाद में डालेंगे। और इसमें मैं पिसा खोपरा एंड में डालूँगी, जेली भी इसमें बाद में डालेंगे। इसको अच्छे से गर्म होने के लिए रख देती हूँ मैं, इसको खोलाती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो पहले चमचा अच्छे से चला लेंगे हम लोग। अब इसको हम बॉयल होने के लिए रख देंगे, जब ये बॉयल हो जाता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है इसमें। जी ये दूध हमारा खोल गया है, थोड़ा सूख गया है, तो इसमें हम कस्टर्ड पाउडर में डालेंगे। तो इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी, लम्स बनने शुरू हो गए। इसमें चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया है, फ्लेम बंद कर दिया मैंने, ये देखें। इसको बस अच्छे से हिला के, अब इसका फ्लेम बंद है, बस इसको अब ठंडा करने के लिए रखेंगे, इसमें लम्स ना बने। ठंडा हो जाता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, फिर इसमें चीज़ें ऐड करेंगे और मज़ीद। तो ये हो चुका है हमारा, बन के तैयार हो गया। देखें कितना गाढ़ा कितने मज़ेदार बना है ये। अब मैं इसमें डालूँगी खोपरा, जेलीज डाल दूँगी, ये 1 कप ली है मैंने, इसको कटिंग करके रख दी थी। और ये तूफ मलंगा 1 कप, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखें कितना मज़े का ये जूस बना है, आप पिलाएं, मेहमान भी खुश होंगे, आप लोग भी खुश होंगे, खुशी से बच्चे भी आपके घर पियेंगे और बड़े भी पियेंगे। ये हो चुका है हमारा रेडी, अब हम इसको ग्लास में अच्छे से निकाल लेंगे। मैं इसको ग्लास में निकाल के आपको दिखाती हूँ कितना टेस्टी और मज़े का बना है ये। तो अब मैं इसको जग में डालूँगी, मैंने आइस ले ली 1 बाउल भर के, अब मैं इसको सारी आइस डाल देंगे अंदर। मोटी मोटी आए इस वजह से हम लोग लेंगे, क्योंकि रोटी मतलब कि अच्छी होती है, जल्दी मेल्ट नहीं होती। बस ये एक हम ले लेंगे और फिर हम इसमें अभी डालेंगे, इसमें डाल दूँगी मैं शरबत सारा। देख सकें आप कितना यम्मी रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनता है।
सारा मैं इस पर हल कर लूँगी। अब मैं इस पर जेलिया ऊपर से डाल दूँगी। तो जी ये मेरा रिफ्रेशिंग ड्रिंक तैयार है बनकर। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी जूस की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे कहने पर। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़े का लगेगा, मेहमान भी आएंगे बहुत खुश होंगे, हैप्पी हो जाएंगे ये ड्रिंक देखकर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।